हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से वेलकम है। JKSSB की तरफ से और एग्ज़ाम डेट अनाउंस की गई है। एडवांस नोटिस निकाला गया है जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है नवंबर के महीने में। तो पूरा वीडियो एंड तक देखें और जो भी आप में से स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर करने वाले हैं कमेंट सेक्शन में यस लिख के ज़रूर बताइए। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक नोटिफिकेशन JKSSB की वेबसाइट पे आज ही अपलोड हुआ है थोड़ी देर पहले 18 अक्टूबर की डेट का। इसमें मेंशन किया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स JKSSB का जो JEE सिविल का फॉर्म निकला था जिसमें 855 वैकेंसीज आई थी, 855 वैकेंसीज अनाउंस की गई थी, ये रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन नंबर है ध्यान से देख लीजिए, एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2022 जिसका आइटम नंबर है 201, इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि अभी टेंटेटिव डेट आई है वो है 19 नवंबर 2023, यानी कि आज से पूरा एक महीने बाद। तो जो भी एग्जैक्ट डेट्स इसकी आएंगी जो एडमिट कार्ड्स पे मेंशन होगी वो थोड़े दिन में आपको देखने को मिलेंगी, हो सकता है हफ्ते तक आ जाए। तो ये एक एडवांस नोटिस है इस एग्ज़ाम के लिए। तो आप में से जो भी JEE सिविल की तैयारी कर रहे हैं, एक बहुत ही आप कह सकते हैं वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है इतनी ज़्यादा वैकेंसीज के साथ। और इसका जो सिलेबस है ये सिलेबस ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहें तो वेबसाइट ओपन करिए JKSSB की। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये कौन सा नोटिफिकेशन है और कब आया था आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए। ये एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2022 है, ये 2022 में एडवर्टीजमेंट नंबर 6 जो आया था। और इसका JEE सिविल ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे 855 वैकेंसीज हैं जिसकी क्वालिफिकेशन वगैरह ये डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है, फॉर्म तो भर चुके हो आप। तो इसका एग्ज़ाम अब आपके सामने ये आ चुका है, तो ये 19 नवंबर की टेंटेटिव डेट आ चुकी है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर रहे हैं आप सभी को ऑल द बेस्ट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप में से कौन कौन इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर करने वाला है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ठीक है, पहली कंडीशन बनेगी बोथ कंक्लूजन मस्ट बी, बोलो पहली कंडीशन क्या बनेगी, मस्ट बी फॉल्स। लेकिन खाली अगर मैं बोलूँ कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स, इससे ना होगा क्या, जहां तक दो कंक्लूजन आ रहे हैं ना आराम से चलेगा, कंक्लूजन तो ज्यादा भी हो सकते हैं। कल असाइनमेंट निकाल लिया आपने घर पे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे सारे फॉल्स होंगे, आए होंगे पक्का। तो आप एक काम करना, ब्रैकेट में लिख लो मिनिमम टू कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स, ताकि आपको ये दिमाग में रहे ही नहीं कि हमेशा दो ही फॉल्स होंगे, चार भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चेक सब पे करेंगे। ठीक है, आज आपको एक क्वेश्चन कराएंगे उसमें 6 फॉल्स होंगे, कोई बात, ठीक है, मौसम भी अच्छा है पढ़ने वाला, वहां से क्यों नहीं आता कोई कठुआ वाली साइड से, वहां एक पुल में दिखा रहे हैं सुबह से पानी आएगा फिर, है ना।